लोजपा का असली नेता कौन है? इलेक्शन कमीशन से पूछिए, जवाब आपको मिल जाएगा। चिराग पासवान जिंदाबाद। तरीके से युवाओं का, हर वर्ग का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और इसीलिए आज मैं आया भी हूँ आशीर्वाद देने। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग पासवान जी, इतनी भारी संख्या में समर्थक है, कैसा लग रहा है आपको? जिंदाबाद। इसी आशीर्वाद की के लिए मैं आया था और जब इतनी भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है तो यकीनन खुशी होती है, मनोबल और बढ़ता है। उम्मीद से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। लगातार पीछे रखवा तो ना ले लेंगे। चिराग जी, लोजपा जो है दो ग्रुप में बट गई है, क्या लगता है लोजपा का असली नेता कौन है? इलेक्शन कमीशन से पूछिए, जवाब आपको मिल जाएगा। चिराग पासवान जिंदाबाद। पारस जी बोलते हैं, पारस जी बोलते हैं लोजपा का असली नेता वो है। पारस जी पे क्या कहना है? चिराग जी, पारस जी पे क्या कहना है? आज ये जनता ही, अरे सच्चाई की जीत होगी है, होगी। चलिए चलिए ठीक है, चिराग पासवान जी थे हमारे साथ, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? खुशी है मुझे इस बात की कि जिस तरीके से युवाओं का, हर वर्ग का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और इसीलिए आज मैं आया भी हूँ आशीर्वाद देने। चलिए चलिए, चिराग पासवान जी थे, चिराग पासवान से एक्सक्लूसिव बात किया है जनता जंक्शन ने, सबसे पहले जनता जंक्शन ने एक्सक्लूसिव बात किया है चिराग पासवान से और आप देख सकते हैं किस तरह से चिराग समर्थक जो है वो भारी संख्या में जुटे हुए हैं। अब चिराग पासवान जो है वो पटना से हाजीपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, अब पटना में हाजीपुर में जो है वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और जिस तरह से चिराग के समर्थन में जो इतनी भारी भीड़ जुटी है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहार की जनता जो है वो चिराग पासवान जी के साथ है। भले ही पद्मपति पारस जो है वो ये दावा कर ले कि लोजपा का असली नेता वो है, लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया है कि लोजपा के असली नेता कौन है। चिराग पासवान जी, आप आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं, कैसा लग रहा है आज? चिराग पासवान जी, पासवान जी, रामदास पासवान हमारे हमारे वरुण झा है, जनता देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।